हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। तो जैसे कि सीज़न अब ख़त्म हो रहा है, ब्रीडिंग सीज़न हमारा ख़त्म हो रहा है बर्ड्स का, तो हम सब मटकी उतारेंगे और मटकी उतारने के सही तरीके क्या हैं वो मैं आज को इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। बने रहे वीडियो के साथ। तो हम आ गए अपनी कॉलोनी की तरफ और कॉलोनी में दिखा देता हूँ मैं, अंदर आ गया हूँ अपनी कॉलोनी के और दिखा देता हूँ आपको मैं। और जो भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को जाकर लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब होने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मैं कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ और कॉलोनी के अंदर देखा मैंने तो सारे बच्चे कुल मिला के बाहर आए गए हैं। कुछ बच्चे मटकियों के अंदर हैं, एक दो वो भी सेल्फ फीडिंग पे आ गए हैं, मगर वो बाहर उतरना नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं उन मटकियों में से दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी मटकी में क्या है। और अगर जिस मटकी में अगर बच्चे हों, एक आध मटकी में अगर बच्चे हों तो आप अगला उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और मेरी मटकियों में कुछ नहीं है क्योंकि ताज़े ताज़े अंडे दिए हैं सबने, तो इसीलिए मटकियों में कुछ नहीं है, अंडे ही हैं, तो अंडों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके सारे अंडे अनफर्टाइल है, मैंने सब चेक कर लिए अंडे। और बच्चे किसी में बनना शुरू हुए हैं वो उससे फेंक दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी मटकी में आपके बच्चे हैं तो उसे आप सेपरेट कहीं पिंजरे में लगा सकते हो। बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हो अच्छे खासे बच्चे हैं इसमें, ये कूद नहीं रहे कुछ जान पूछ के। बाकी सीजन दोबारा इन्होंने ब्रीड कर दी है तो मुझे ब्रीड लेनी नहीं है अब, क्योंकि इनका पांचवा क्लच है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने कमरे में रख रखे हैं और कमरा बंद रहता है, उसका पंखा वंखा लगा रखा है मैंने, फिर भी बहुत गर्मी हो जाती है। थोड़ी बहुत देर में वेंटिलेशन भी बना रखा है मैंने उसके अंदर, मगर फिर भी बहुत गर्मी हो रही है तो इसीलिए मुझे हटाना पड़ेंगे। इसमें भी पांच बच्चे थे तो दो रह गए हैं, ये भी कूदने तैयार हैं, तो इनको मैं सबको निकाल दूंगा बच्चों को। और मटकी मैं सारी निकाल दी हैं अब, क्योंकि मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था तो मैंने जल्दी जल्दी मटकी निकाली। और मेरा बेटा है मेरे साथ में छोटा, ये वो भी 5-6 साल का है, तो उसको मैं मटकी निकाल निकाल के दे रहा था तो वो रख रख के आ रहा था बाहर। तो इसी तरह काम करा मैंने, कोई और था नहीं मेरे पास में तो मैंने उसी को काम में लगा दिया। वो भी बहुत शौक़ रखता है इन चीज़ों का, मतलब उसको भी बहुत शौक है बर्ड्स वगैरह का। जब मैं सुबह दाना पानी करने आता हूँ तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तो अभी दिखाता हूँ इस वीडियो में, मटकी उतार दी है मैंने और लड़का भी मेरा साथ में ही है। ये सारी मटकी उतार दी मैंने, इसके अंदर मेरे 10 पेयर थे और मैंने 13 मटकी लगा रखी थी और 2 बॉक्स लगा रखे थे, तो सारी मटकी मैंने उतार दी हैंगी इसमें। अब मटकियों को हम साफ़ करके ऐसे रख देंगे क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं है मटकी। और ये आ गया है मेरा बेटा, देख सकते हो, ये उठा उठा के ढक्कन रख रहा है मटकियों के, तो इसको काफ़ी शौक है। और वीडियो को लाइक करने के लिए कहेगा आप लोगों से ही, तो वीडियो को लाइक भी कर देना आप लोग अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो। और इन्फॉर्मेशन यही थी आज की। तो आप पहले बात मटकी हटाने से पहले आप चेक कर लें बच्चे हैं या नहीं है उसके अंदर, अगर अंडे हैं तो अंडों से कोई दिक्कत नहीं होती, आप फेंक सकते हैं अंडों को। और क्योंकि अगर आप अंडों के चक्कर में रहोगे तो पूरा साल बेकार हो जाएगा आप लोगों का। तो चलते हैं, फिर किसी मुलाकात होगी कि नई वीडियो।